Welcome back to Learn Science with Meera. So today I learn in this video types of asexual reproduction, जिसे हम well define करेंगे इसमें जितने type के asexual reproduction होते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि how many type of asexual reproduction, already मैंने video बनाई हुई है, playlist में आप check कर सकते हैं. Otherwise मैं description में link दूंगी जहां से आप देख लें. इसके बाद आप ये video देखें ताकि आपको ज्यादा समझ में आए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है यहाँ पर? फर्स्ट इज आपका फिजन. फिजन और एक होता है फ्यूजन. फ्यूजन मतलब होता है कोई भी चीज आपस में जुड़ना. फिजन मतलब होता है कोई भी चीज टूटना यानी अलग होना. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर फिजन. एंड फिजन में आपके कितने होते हैं? एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन है. ओके, और एसेक्सुअल टाइप जो रिप्रोडक्शन है फिजन, फिजन में भी आपका दो टाइप होता है. फर्स्ट इज आपका क्या होता है बेटा? बाइनरी फिजन. एंड सेकंड थिंग इज मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होता है? वन सेल जो होते हैं आपके डिवाइड होते हैं टू सेल में. और मल्टीपल फिजन में क्या होता है? वन सेल डिवाइड होते हैं मेनी सेल में. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे वन सेल डिवाइड होते हैं टू सेल में. तो यहां पर आपने एग्जाम्पल देखा होगा, मैंने लिखा है अमीबा एंड बैक्टीरिया. यानी बाइनरी फिजन का बात करें एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल होगा आपका अमीबा एंड बैक्टीरिया होगा. और मल्टीपल फिजन का होगा आपका प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया आपका होता है उसका जो होता है ये प्लाज्मोडियम के कारण. एंड दूसरा है आपका क्लेमाइडोमोनाश. ओके, तो यहां पर हम देखते हैं अमीबा कैसे एक सेल यानी वन सेल वेट, वन सेल आपका डिवाइड होगा कितने में? टू सेल में. कैसे? हाउ? तो यहां पर देखिए ये आपका क्या है? एक अमीबा है. ओके, यहां पर अमीबा का ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है. ओके, और ये अमीबा यहां पर क्या हुआ? डिवाइड हो रहा है आपका. तो यहां पर देखो अमीबा का आकार ऐसे है और ये न्यूक्लियस देखो जो आपका एक था यहां पर अब क्या हो गया? थोड़ा सा ये फैल गया है और ये ऐसे ऐसे हो गया कुछ आकार इसका. इसके बाद अभी अमीबा में फिर से डिवीजन होगा. डिवीजन होने टाइम क्या होगा? अमीबा कुछ ऐसा आकार हो जाएगा, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा. और ये जो न्यूक्लियस है लगभग कुछ पार्ट इसमें और कुछ पार्ट इसमें, यानी दोनों पार्ट में थोड़ा थोड़ा आपका न्यूक्लियस आ गया. और यहां पर अगर हम देखें इस अमीबा में, तो इस अमीबा में क्या हो रहा है? अब अमीबा लग रहा है कि अलग होने वाला है. यहां पर क्या लग रहा है? अमीबा आपका अब अलग हो जाएगा, बट अलग हुआ नहीं है. ओके, तो यहां पर देखेंगे न्यूक्लियस एक इधर आ गया, एक न्यूक्लियस इधर आपका चला गया, लेकिन फिर भी अभी क्या है ये आपस में जुड़े हुए हैं. अब इसके बाद लास्ट जो डिवीजन होगा अमीबा, एक अमीबा से दो दो आपके अमीबा बन गए. ओके, और दोनों अमीबा में आप देखें यहां पर भी न्यूक्लियस आपका आ गया और यहां पर भी न्यूक्लियस आपका आ गया, यानी यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स ये. ओके, और ये देखिए आपका यहाँ पर क्या लिखा? डॉटर अमीबा. पता नहीं इसको सन अमीबा क्यों नहीं कहा गया, डॉटर अमीबा कहा गया. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर अमीबा. यानी एक जैसे ही दो दो अमीबा क्या हो गए आपके? यहाँ पर नए अमीबा बन गए. यानी एक अमीबा सेल था आपने देखा और कैसे ये डिवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस होकर यहाँ पर आपका क्या हो गया? न्यू अमीबा आपका बन गया. यानी इसे हम डॉटर अमीबा बोल रहे हैं बिकॉज ये दो हो गए हैं आपके. अगर बात करें मल्टीपल फिजन में, तो प्लाज्मोडियम का अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल, तो ये आपका प्लाज्मोडियम का. ओके, और ये आपका क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस होगा. अब ये न्यूक्लियस अगले डिवीजन में दो न्यूक्लियस बन गया. ओके, अब यही न्यूक्लियस आगे जाके फोर हो गया, यही न्यूक्लियस जाके यहाँ पर और ज्यादा बन गया. और बाद में आपका क्या हुआ? जितने भी न्यूक्लियस यहाँ पर बने थे ये आपके एक न्यू प्लाज्मोडियम बन गए. ओके, यानी जितने आपके ये क्या थे इसमें न्यूक्लियस थे, ये सारे न्यूक्लियस एक अलग अलग आपके क्या बन गए? एक अलग अलग आपका बन गए प्लाज्मोडियम, यानी एक अलग आपका बन गया. सेकेंड पॉइंट इज हियर बडिंग. बडिंग में क्या होता है भाई? ओके, तो बडिंग में आपका क्या है डेफिनेशन? अ न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड. यानी इसमें क्या होगा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा कहां से? अपने बर्ड से, यानी बाहरी ग्रोथ से. कैसे समझे भाई कि बाहर से और आउटग्रोथ क्या मैं बोल रही हूँ, है ना? तो एग्जाम्पल से देखते हैं. चलिए इजिली एग्जाम्पल इसका हाइड्रा, इसका आपका आ जाएगा. ओके, तो अगर बात करें इसमें आपका हाइड्रा कैसे होता है, तो हाइड्रा एक आपका ये क्या है? पेरेंट सेल हुआ, हाइड्रा आपका हुआ. अब ये हाइड्रा में आप देखेंगे कि यहां पर एक छोटू सा कुछ दिख रहा है आपका,
है ना, बर्ड जैसा आपका दिख रहा है। ये बर्ड आगे हाइड्रा गया और ये बर्ड बेचारा क्या कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। आप भी तो ग्रोथ करते हैं धीरे धीरे, तो हाइड्रा भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट जब डिवीजन हुआ तो यहाँ पर हाइड्रा थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो गया भाई। अब इसके हाथ पैर होने लगे, खुद का घर बनाएगा अभी, मतलब यहाँ पर हाइड्रा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जैसे हाइड्रा बड़ा हुआ, थोड़ा सा हाइड्रा बड़ा होते ही ये हैवी होते ही क्या हो जाएगा, इस हाइड्रा से ये हाइड्रा अलग हो गया और ये हाइड्रा अलग होकर यहाँ पर क्या हो गया, एक न्यू हाइड्रा आपका बन गया, न्यू हाइड्रा आपका बन गया। ओके, तो ये था आपका बडिंग का एग्जांपल्स। अब यहाँ पर आता है थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें स्पोर फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, पेरेंट प्लांट जनरेट्स थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स विच इंडिविजुअली ग्रो इन अ प्लांट। ओके, यानी एक पेरेंट प्लांट जो होंगे क्या करेंगे, वो जनरेट करेंगे थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल में आपका राइजोबस, म्यूकर, इटी से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें तो ये किसका है, ये आपका है राइजोबस का है। अब ये राइजोबस में क्या हो रहा है, ये आपके टेंटिकल्स दिख रहे हैं ये सारे, और ये जो गोला सा प्यारा सा जो है आपका स्पोर्स है। अब ये स्पोर्स क्या होगा, स्पोर्स एक दिन टूटेगा। ओके, यानी बड़ा होगा आगे, ये जब टूटेगा तो ये हवा में क्या होगा, ये तैरता हुआ चला जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, घर में थोड़ी जा रहा है आपके, जा सकता है। ओके, यानी ये हवा में मूव करेगा और जहां पर इसको क्या मिलेगा, इसके जहां पर ये डेवलप करते हैं और जहां पर इसका उसके अकॉर्डिंग कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आपका एनवायरनमेंट इसको मिलेगा, तो ये क्या करेगा, वहां पर जाकर ये धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। आपने देखा होगा जैसे कि सपोज ये ब्रेड है आपका, ओके, और ब्रेड पर अगर आपको छोटे छोटे से ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, आप देख नहीं पाएंगे, आप तो ब्रेड पर देखते तो व्हाइट व्हाइट से दिखता है, बट अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ ऐसे ऐसे आकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके राइजोबस जो कि लगे होते हैं ब्रेड पर। ओके, तो यहाँ पर यही मतलब था यहाँ पर कि जब ये बड़े होंगे, जब ये फटेंगे हवा में, ये फैलेंगे और जहां पर इसका एनवायरनमेंट जहां पर मिलेगा, जहां पर ये ग्रो कर सकते हैं, वहां पर जाकर ये चिपक जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेशन करेंगे आपका। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस आपका फॉर्मेशन होते रहता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे, ये तीन हो गया, तीन और आपका रह रहा है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके बारे में वेल डिफाइंड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें।